प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए गणित एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का वन शॉट स्टडी करने वाले हैं, यानी कि प्रश्नावली 2.1 का एक ही वीडियो में स्वाहा करने वाले हैं। बच्चों, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 को और प्रश्नावली 1.2 को ऑलरेडी खत्म करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा चुका है, विजिट जरूर करना। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, इस पूरे प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक डिटेल्स जानना होगा, क्योंकि इस वीडियो में काम आने वाला है और इस पूरे प्रश्नावली में भी काम आएगा और पूरे बहुपद वाले चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही है बहुपद, तो हमें बहुपद का परिभाषा समझना पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल, इसके जो भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, परिभाषा बन सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में भाई बेसिक डिटेल्स इसका समझना पड़ेगा। उसके बाद हम ये समझेंगे भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है। भाई बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है इसको भी समझेंगे। जैसे आपका हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया, तो तमाम प्रकार के बहुपद होते हैं, तो सबके बारे में भाई समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, तो तमाम टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो तो भाई बहुत ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लंबा है नहीं कि 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन भाई पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहना आप लोग। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम अगर बात करेंगे बहुपद के बारे में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुपद को भैया हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलीनोमियल बोला जाता है। पॉलीनोमियल, ये जो बहुपद शब्द है भैया, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो भैया बनेगा आपका बहु से और दूसरा बन जाएगा पद से। बहु का मतलब होता है भैया क्या, पॉली। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। पॉली मतलब भाई बहुत, बहु मतलब बहुत। ठीक है, और हम बात करेंगे पद के बारे में, तो पद मतलब क्या हो जाएगा, नॉमियल। ठीक है, तो ये जो हमारा बहुपद होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, पॉली प्लस नॉमियल, दो शब्दों से। पॉली का मतलब होता है बहु, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करेंगे जो कि एक से अधिक बीजीय व्यंजक आपस में जोड़ करके एक बहुपद बनाएंगे। अच्छा, बहुपद के कुछ कंडीशन भी होता है भाई, उसको भी समझेंगे, थोड़ा सा हिम्मत बना करके रहना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई बीजीय व्यंजक क्या हो सकता है, तो दो या दो से या अधिक जो चर या अचर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में फोर, ये भी क्या हो जाएगा भाई, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी, इसको भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, इसको भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कोई पद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रही, कई पद मिल करके आपस में जुड़ा हुआ है या आपस में माइनस हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसी को हम बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे भाई, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अच्छा, बहुपद का कंडीशन ये होता है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है भाई, रूट टू एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब भाई देखो, एक्स का जो पावर होगा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स का जो पावर होगा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये माने 1/2 भी नहीं होना चाहिए, एक्स का जो मान होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के साथ साथ में पूर्णांक होगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। इस बात को भी हमेशा याद रखना भाई, क्योंकि कई बार पेपर में आता है। तो बहुपद मैंने बताया कि ऐसे बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, या घटाना के माध्यम से या गुणा के माध्यम से एक बहुपद बनाया जाता है। ठीक है ना, इस तरीका। अब आगे हम देख लेते हैं भाई ये वाला। और मैंने आपको बताया कि भाई बहुपद जो होता है चर या अचर से मिला करके बनाया जाता है, चर भी होगा उसमें और अचर भी होगा।
ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 4, तो भैया इसमें चर क्या है, एक्स आपका क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर मतलब, ठीक है, चर मतलब ऐसी ऐसा कोई मान जिसका कोई वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, वैल्यू वेरिएबल हो भाई, फिक्स ना हो, वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे, चर बोलेंगे। और हम अगर यही हम बात करेंगे अचर के बारे में, तो अचर क्या हो जाएगा भाई, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई, जिसका मान सदैव समान रहता है। तो अगर हम चर की बात कर रहे हैं तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा या जेड हो जाएगा, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम अचर की बात करेंगे भाई, जैसे शून्य हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये सभी क्या है भाई, ये सभी तो अचर हो जाएंगे, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आज हम बात कर लेते हैं भाई बहुपद की घात। अच्छा, बहुपद की घात क्या होता है भाई, तो बहुपद की घात में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो किसी भी चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, कोई भी, यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया था, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, तो ये तो भैया एक बहुपद हो गया, और इस बहुपद में चर क्या हो गया, x हो गया। अब इस x का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या हो जाएगा भाई, तो घात बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, घात बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि ना, ठीक है। अच्छा, बहुपद आपका ये भी हो सकता है 2x प्लस वाई, तो अभी तमाम प्रकार के बहुपद बनाए जा सकते हैं। और बहुपद का परिभाषा तो मैंने समझ लिया, ठीक है, चर क्या होता हम लोगों ने समझ लिया, अचर क्या होता ये भी समझ लिए, और बहुपद की घात क्या होता ये भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब आगे हम समझ लेते हैं भाई कि ये वाला टॉपिक कि भाई बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम मेनली बात करेंगे तो भाई तीन चार प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है शून्य बहुपद, उसके उसके बारे में स्टडी ना करेंगे, क्योंकि एक शून्य शून्य ही खुद एक अपना बहुपद बनाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना नहीं है। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसके चर का मैक्सिमम पावर 1 होता है। ऐसा कोई बहुपद आप यहाँ पे लिखिए, ऐसा कोई बहुपद लिखो जिसके चर का मैक्सिमम पावर 1 होगा। ऐसा कोई भी बहुपद जिसके चर का मैक्सिमम जो पावर होगा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, या 2x प्लस में 5, इसका चर का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। 4x भी हो जाएगा, या ओनली x भी हो जाएगा, या 2x प्लस 4y प्लस जेड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जिसकी चर का जो वैल्यू 1 होगा भाई, चर का जो मान होगा या चर का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, रैखिक बहुपद होगा। अगर हम यही बात करेंगे द्विघात बहुपद, क्या बात करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, ऐसा कोई बहुपद जिसके चर का जो घातांक होता है, जो चर का पावर होता है वो 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर हम बात करेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे x का जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पर वो कितना है भाई, वो है 2, तो जब 2 है तो द्विघात हो जाएगा, जब 2 है तो द्विघात हो जाएगा। यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं 5y² प्लस में जेड, इसका भी पावर कितना है भाई, मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, 2 हो जाएगा। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं, 5x के पावर 1/2 प्लस में जेड, ये बहुपद होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, अगर बहुपद होगा तो कौन सा बहुपद होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। आगे बात कर लेते हैं भाई त्रिघात बहुपद, त्रिघात। अच्छा, त्रिघात बहुपद क्या होता है भाई, जिसके चर का मैक्सिमम पावर 3 होगा।
ऐसा कोई बहुपद हम लेते हैं, ऐसा कोई बहुपद ले लो यहाँ पर 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x प्लस 5। यहाँ पर हम अगर देख पा रहे हैं तो x की जो पावर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना भाई 3 है। जब मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो 3 घात का हो जाएगा, घात जब 3 होगा तो 3 घात होगा, जब घात जब 2 होगा तो 2 घात हो जाएगा, जब घात 1 होगा तो रैखिक हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम प्रकार के बहुपद होते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात यहाँ पर देखो, बहुपद की शून्यता। अच्छा एक बात मेरे को ये बताओ, अगर हम बात करेंगे ये वाला चीज 2x² प्लस में 4x प्लस 8, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया आपका बहुपद, ठीक है। जब बराबर जब 0 कर देंगे तो ये बहुपद रहेगा, बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बहुपद में ये बराबर नहीं रहता है, इस बात को हमेशा याद रखना, बहुपद में केवल यही वैल्यू रहेगी। जब ये बराबर में जब 0 कर दोगे तो ये बन जाएगा समीकरण, क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना है, जब बहुपद के शून्यक निकालते हैं, इसे मान लो इसी बहुपद को मैंने मान लिया भाई, चलो इसी बहुपद को मैंने मान लिया, चलो ये बहुपद है, इसको मैंने पी एक्स से डिनोट कर दिया, पी एक्स से मैंने जब डिनोट किया तो अब इसके जब शून्यक निकालने होंगे, इसके जब शून्यक निकालने होंगे तो भैया क्या करो, इसको 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर कर देना, शून्यक निकल करके आ जाएगा, ठीक है। समझ लो यहाँ पे 5x² प्लस 10x प्लस 2। अब यहाँ भी इसका भी इस बहुपद के अगर शून्यक निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई, बराबर में 0 कर देंगे, हमारा शून्यक निकल करके आ जाएगा। और x से कितने शून्यक आएंगे, तो जितना पावर रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना x के शून्यक आएंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं भाई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा और भी बहुपद होते हैं जिससे मैंने आपको बताया ना, एक पदीय बहुपद। अच्छा एक पदीय बहुपद क्या होता है भाई, ऐसा कोई बहुपद जिसके केवल एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, जिससे मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये आपके बहुपद हो जाएंगे, एक पद ये बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे द्विपद बहुपद क्या होता है भाई, द्विपदीय बहुपद क्या होता है मेरे दोस्त, जिसमें 2 पद होंगे, आप लोगों को पता हो गया होगा भाई मैं क्या कहने वाला हूं, इसमें 2 पद, जैसे मान लो कि 3x प्लस वाई, इसमें देखो एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, द्विपद हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया द्विपदीय। एक और भी होता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अच्छा इसमें पदों की संख्या कितनी होगी भाई, ऑब्वियसली बात है 3 ही होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x² ले लो प्लस 2x ले लो प्लस में 1 ले लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई, ये हम आगे बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कंडीशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे हल करेंगे जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो यह एक लाइन कोऑर्डिनेट दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश होता है, ये आपका वाई होता है, ठीक है। यहां से एक लाइन गई हुई है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने बहुपद होंगे, कितने शून्यक होंगे और किस कंडीशन के लिए, भाई पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ यहां में दिखाया गया है और पी एक्स के शून्यक निकालना है, एक्स एक्सिस पे कितना बार कटिंग हो रहा है उसका आपको बताना है,
तो भैया अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे कटा हुआ है, तो अगर वाई एक्सिस से पूछा तो भैया हम बता देते, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटा है। यहाँ पर कितना शून्य हो जाएंगे, कितना शून्य होंगे, एक भी नहीं कटा है एक्स एक्सिस पे, तो शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी भाई, शून्य हो जाएगी। क्या होगी, शून्य हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ भी हमारा ग्राफ दिया गया है, और ये जो ग्राफ दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है एक्स एक्सिस को एक बार में काट रहा है, केवल एक बार काट रहा है, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर पी एक्स के लिए पूछेगा तो भाई केवल हम एक्स एक्सिस पे कटिंग देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कटिंग दिखाई दे रहा है एक बार, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक होगी। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम बात कर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे शून्य की संख्या, तो एक्स एक्सिस में कितना बार कट रहा है, तो भैया एक तो ये कट रहा है, दूसरा ये कट रहा है, और तीसरा ये कट रहा है, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन में अगर शून्य की संख्या बात करेंगे, इसमें तीन निकल करके आ जाएगा, कितना, तीन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अब इसका देखो ग्राफ कैसे गया है, इस प्रकार से गया है, और यहाँ पे एक्सिस है, और ये काट रहा है कितना बार, दो बार में काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या कितना होगा, दो हो जाएगा। क्यों दो होगा, क्योंकि भैया दो बार काट रहा है, कितना बार काट रहा है, दो बार काट रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक बार ये काट दिया, दो बार काट दिया, यहाँ पे तीन बार काट दिया, और यहाँ पे चार बार काट दिया, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। कितना होगा भाई, चार हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे टच कर दिया या कट कर दिया, हम इंक्लूड करेंगे, एक दो हो गया और यहाँ पे एक हो गया तीन, तो यहाँ पे बहुपद की संख्या क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तीन हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से प्रश्नावली में तो दम नहीं था, लेकिन आपको बैकग्राउंड की चीजें समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।